लोभान प्रीमिक्स बनाने से पहले मैं आपको कुछ पाउडर्स आपको दिखा देता हूं और उसकी क्वालिटी आपको किस तरीके से रखनी होगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि आप ये सामने देख रहे होंगे, ये है हमारा वुड पाउडर जिसे हम सॉडस्ट भी बोलते हैं। और ये सॉडस्ट जो है 80 ms में है, जो एकदम बारीक होती है, जो ज़्यादातर अगरबत्ती प्रीमिक्स बनाने के लिए यूज़ होता है। और दूसरा है हमारा जूस पाउडर। जूस पाउडर आप जानते ही होंगे और ये भी आपको अच्छी क्वालिटी में रखनी होगी। जो वियतनाम से आती है वो वाली जूस पाउडर आपको रखनी होगी क्योंकि उसकी क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी होती है और इसे भी हम यूज़ में लेंगे। और तीसरी चीज़ है हमारा ग्वार गम, जिसे हम वाइट पाउडर बोलते हैं। तो ये है हमारा ग्वार गम वाइट पाउडर और इसका भी हम यूज़ करेंगे। अच्छी क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है और ये मिक्सिंग हम 1 kg के अंदर में ही करेंगे, जैसा कि मैंने रेशियो में बताया हुआ था। और वैसे तो मैं 5 से 6 kg एक साथ बनाता हूँ, लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए इसके कारण मैं 1 kg के अंदर बना रहा हूँ। तो सबसे पहले ये सॉडस्ट हम ऐड कर देते हैं। ग्राम हमारा सॉडस्ट जो है ऐड हो गया है। अब उसके बाद हम जूस पाउडर डालेंगे। सौ ग्राम हमारा जूस पाउडर हो गया है इसमें। और उसके बाद है ग्वार गम। और जो है ग्वार गम, इसके बारे में मैंने बताया तो ज़रूर था, लेकिन ऑप्शनल में रखा था कि जूस पाउडर डालिए या फिर ग्वार गम डालिए। लेकिन अभी हमारे पास जो है जिगट पाउडर अवेलेबल नहीं है, और जिगट नहीं है तो आप ग्वार गम आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसे आप 50 ग्राम आपके लिए काफ़ी होगा। तो ये हमारा हो गया 50 ग्राम। और ये पाउडर जो है काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो इसे आप जितना कम से कम आप यूज़ करें अपने अगरबत्ती के लिए, प्रीमिक्स पाउडर के लिए, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा ये। अब इसके बाद हम इस तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद ये है हमारा लोभान पाउडर और इसे आपको ग्राइंड कर लेना है। और ग्राइंड करने के बाद स्क्रीनिंग से आपको इसको स्क्रीन करके डाल देना है, क्योंकि ये पाउडर्स हवा लगते ही अपने आप में जमने लग जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो, बारीक इसमें छोटे छोटे जो है राउंड शेप में बन गए होंगे। इसमें हो गया हमारा 50 ग्राम ऐड हो गया है। अब पाउडर डालने के बाद भी इसको आपको अच्छे से मिक्स करना है। अब इसके बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे लोभान का परफ्यूम, जो कि हमारे प्रीमिक्स पाउडर में एक अच्छी खुशबू जो है होगी। ये जो है हमारा परफ्यूम जो है 50 ग्राम ऐड हो चुका है और इसे भी आपको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद ये है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट, जैसा कि आप देख रहे हो, और ये मैंने पानी इसमें रखा हुआ है। अब पोटेशियम नाइट्रेट ऐड करने का प्रोसेस ये है कि इसमें जो बर्निंग प्रॉब्लम्स होगी वो सॉल्व हो जाएगी, तो आपको इसे ऐड कर लेनी है। ये मिनिमम आपको 30 से 40 ग्राम तक आप 1 kg के अंदर देना है और इसे आपको पानी में मिक्स करना है। पानी में ये आसानी से घुल जाता है। पानी आपको मिनिमम 500 से 600 ग्राम के एवरेज आपको डालनी है, क्योंकि ये प्योर वुड से हम बना रहे हैं तो इसमें पानी जो है ज़्यादा लगेगा। आप देख सकते हो कि मैंने इसे प्रॉपर मिक्सिंग करके रख लिया है। वैसे ही आपको अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है
और इसमें ऊपर से ही इसमें फ्रेग्रेंस आनी चालू हो गई है और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में हमारा प्रीमिक्स जो है तैयार हो चुका है। अब इसके बाद जो है हम इसे मशीन में चला के देखते हैं कि किस तरीके से इससे लोभान अगरबत्तियाँ तैयार होती हैं। इसके बाद मैं कुछ सेटिंग्स आपको बताता हूँ लोभान अगरबत्ती बनाने के लिए, ये आपको मशीन की सेटिंग कैसे होनी चाहिए। और ये जो है मशीन हमने स्टार्ट कर लिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। सबसे पहले जो है पाउडर्स हम डाल लेते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी है, इसमें जो है आपको मोटी डाई चलानी होगी, मतलब 3 पॉइंट से ऊपर 4 पॉइंट तक आपको इसमें डाई यूज़ करनी है, क्योंकि ये प्योर रूट पाउडर है। और रूट पाउडर क्या होता है, जो हमारा हब होता है, ये जो हब होता है ये थोड़ा सा बॉन्डिंग करने में मुश्किल जाता है। चारकोल के साथ अगर मिक्सिंग हो तो वो आसानी से बॉन्डिंग उसमें हो जाता है, और प्योर रूट पाउडर जो है बॉन्डिंग होने में थोड़ा मुश्किल जाता है। उसके लिए उसके बाद हमें कुछ जो है सेटिंग्स करनी होगी। जैसा कि आप देख रहे हो ये हमारे पास डाई है, ये डाई आपको थोड़ी सी होल साइज़ बड़ी लेनी होगी। मिनिमम आप 3 पॉइंट से ऊपर 4 पॉइंट तक आप इसमें डाई यूज़ कीजिए, और इसे आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। जो कि आपका जो ब्लैक प्रीमिक्स आप बनाते हो, ब्लैक अगरबत्ती, उसमें से जो निकली हुई डाई होती है जिसका काउंटिंग नहीं आ पाता, उसे आप निकाल देते हो, उसे आप इस लोभान बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। और ये उसी की डाई है, इसको अलग से आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये मिनिमम 4 पॉइंट के आसपास इसकी होल साइज़ होनी चाहिए, क्योंकि हमारा वुड पाउडर जो है ये बॉन्डिंग होने में थोड़ा सा मुश्किल जाता है। और ज़्यादातर आप देखे भी होंगे जो कलर्स बत्ती होते हैं या फिर जो लोभान जो बनाते हैं, उनकी जो है डाई साइज़ मोटी ही होती है, मतलब वो। तो ये हम लगाते हैं फटाफट। तो इस तरीके से ये निकल के आएगी अपने डाई में से, और इतनी जो है मोटाई ये होगी। अगर बत्ती बनने के बाद दिखाता हूँ मैं आपको। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस टाइप की आपकी बनेगी लोभान अगरबत्ती। और ये जो है मार्केट में जो प्रीमिक्स पाउडर आपको अवेलेबल होते हैं, उनसे ये कई गुना अच्छी क्वालिटी में आपकी तैयार होगी, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और इसकी मोटाई जो है इस तरीके से आएगी, आपको 4 पॉइंट के डाई, आप 4 पॉइंट के डाई में अगर चलाते हैं तो पतला डाई आप यूज़ ना करें, क्योंकि थोड़ा सा मशीन में चलने के लिए दिक्कत होगा।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोसेस लोभान अगरबत्ती के ऊपर आपको पूरी समझ में आई होगी। और जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारी अगरबत्ती जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी में तैयार हुई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगरबत्ती बिज़नेस से रिलेटेड ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और मिलते हैं अगले कुछ नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।